नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक मजेदार बात बताती हूं आज आपको। हम जब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा शब्द ना बोल जाए जिसको यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है हमें हमारी वीडियो को नुकसान पहुंचा सके। आप समझ गए ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको यूट्यूब पसंद नहीं करता। और अब संसद में असंसदीय शब्दों को बैन कर दिया गया है। कहिए कि वहाँ भी वैसी स्थिति की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा असंसदीय शब्दों का प्रयोग वहाँ भी हो रहा था। इसके लिए एक शब्दों की सूची जारी की गई है, उसमें बहुत साफ तौर पे ऐसे शब्दों को असंसदीय घोषित किया है, बैन किया गया, जो सुनने में हमें बहुत बुरे लगते हैं। इस बात को लेकर के आज विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस दौरान सबको शांत करा रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी शब्द पे प्रतिबंध नहीं लगाया है और इस मामले में विपक्ष को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, ना ही ऐसी गलतफहमियां फैलानी चाहिए। उन्होंने किसी शब्द पे बैन नहीं लगाया है, लेकिन उन शब्दों को हटा दिया है जिन पे आपत्तियां थी। इससे पहले असंसदीय शब्दों को लेकर के एक किताब लिखी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने कागजों की बर्बादी से बचने के लिए, यानी कि पेपरलेस वर्किंग के लिए, उन्होंने इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। किसी भी शब्द पे प्रतिबंध नहीं लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन शब्दों का संकलन भी जारी किया है। अच्छा, जिन शब्दों को हटाया गया है उनका उपयोग पक्ष और विपक्ष दोनों ही करते रहे हैं। सदन में विपक्ष के हंगामे के दौरान ओम बिरला ने ये कहा कि हंगामा करने वाले विपक्ष के लोगों ने 1100 पन्नों की इस डिक्शनरी को क्या पढ़ा है। और बिरला ने ये भी कहा कि अगर वो गलतफहमियां नहीं फैलाते तो 1954 से लेकर के 2010 तक जो किताबें जारी की गई हैं, हर साल छप रही हैं, उनकी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों को हटा दिया गया है वो शब्द सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं उपयोग किए थे, बल्कि जो सत्ता में पार्टी होती थी उनके सांसद भी उन्हें प्रयोग करते थे। केवल विपक्ष के इस्तेमाल किए गए शब्दों को किताब से हटाया गया हो ऐसी बात नहीं है। अब असंसदीय सूची में कुछ नए शब्द ऐड हुए हैं, जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर। अब कोविड की वजह से कुछ नई डिक्शनरी में वर्ड्स आ गए हैं, तो समझिए कि कोविड स्प्रेडर। स्पनू गेट, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड और अक्षम जैसे रोजमर्रा के उपयोग होने वाले शब्दों को लोकसभा सचिवालय ने संसदीय सूची में डाल दिया है। विपक्ष ने इस कदम को बड़ा विरोध किया है इसका। उन्होंने कहा कि उन्हें तो आलोचना करने का किस तरीके से वो आलोचना करेंगे, इससे तो उनकी आलोचना करने की क्षमता जो है वो बाधित होगी, यानी कि उनके वोकैबुलरी में कुछ और संसदीय शब्दों का उन्हें प्रयोग करना पड़ेगा, जो शायद उनके पास नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र के दौरान पहले से ही एक किताब से अराजकतावादी शकुनी, तानाशाही, तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, विनाशपुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती जैसे शब्दों को भी वाद विवाद के दौरान या अन्यथा इस्तेमाल करने पर हटा दिया जाएगा।
लोकसभा सचिवालय की सूची में एक चेतावनी शामिल है कि कुछ शब्दों को संसदीय कार्यवाही के दौरान बोले जाने वाली अन्य अभिव्यक्तियों के संयोजन के साथ पढ़े जाने तक असंसदीय नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ कह रहे हैं उसमें आपको कुछ चीज एड ऑन करनी है, उस दौरान आप कुछ चीजों को बहुत लिमिटेड तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और बुकलेट में ये भी कहा गया है कि अध्यक्ष के खिलाफ दोनों सदनों में अंग्रेजी या हिंदी में किए गए किसी भी आरोप को असंसदीय माना जाएगा, संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। बुकलेट की आलोचना को पहले सरकारी सूत्रों के माध्यम से मीडिया को जारी एक बयान में काउंटर किया गया था और बयान में कहा गया कि उन्होंने अधिक से अधिक शब्दों को यूपीए सरकार के दौरान भी असंसदीय माना था। किताब केवल शब्दों का संकलन है, सुझाव या आदेश नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर संसद के पास भी कोई YouTube की तरह एल्गोरिथम होता तो शायद ये जो शब्द हैं जिन पे मारामारी मची हुई है वो शब्द अपने आप से ही कार्रवाई से आउट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और इसी वजह से ये जो है स्टेप उठाना पड़ा सरकार को। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और नई कहानी के साथ, किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।